हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में. मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में. आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे बल्ब वाला पौधा. और बल्ब वाले पौधे बहुत तरीके के होते हैं, और जैसे रेन लिली है, एमरस लिली है, तो ऐसे कई प्लांट होते हैं जो कि बल्ब के द्वारा लगाए जाते हैं. तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एमरस लिली का बल्ब किस तरह लगाया जाता है और किस तरह वो मल्टीप्लाई होकर जो है इतने सारे बल्ब उसमें तैयार हो जाते हैं. एक बल्ब अगर आप लेकर आते हैं तो आने वाले समय में आपके पास जो है उसके ढेरों बल्ब तैयार हो जाते हैं. तो चलिए देख लेते हैं एमरस लिली के बल्ब जो है किस तरीके के होते हैं. फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है एमरस लिली के बल्ब. ये देखिए, ये परसों मैंने जो है अपने एमरस लिली का मेरे पास जो प्लांट है उसमें से मैंने निकाले थे. और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, मल्टीप्लाई होता रहता है. तो देखिए कितने सारे बल्ब मेरे गार्डन से निकले हैं. ये एक बल्ब ये निकला है, एक ये बल्ब ये निकला है, एक बल्ब ये निकला है, एक बल्ब मेरा ये निकला है, और एक बल्ब ये निकला है. ये देखिए, पांच बल्ब मैंने इसके निकाले हैं. तो आज इन्हीं को हम जो है लगाने जा रहे हैं. दोस्तों, एमरस लिली के जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं. इतने बड़े बड़े कलर के, बड़े बड़े साइज के जो है इनके फ्लावर होते हैं. ये जो है, ये रेड कलर का फ्लावर इसमें आता है, बहुत ही प्यारा लगता है. और क्या कहते हैं, ये एक परमानेंट प्लांट है दोस्तों. आप इसको अगर लगा लेते हैं अपने गार्डन में तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा. जैसे रेन लिली आपके गार्डन से कभी नहीं जाता है, उस तरीके से एमरस लिली भी आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा. एक बार आपको इसको लगाना है, उसके बाद आपको दोबारा इस प्लांट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों. तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, इसको लगाना बहुत ही आसान है. तो आज हम इसके बल्ब को ग्रो करेंगे. तो इसके लिए देखिए, ये मिट्टी है, मिट्टी मेरे गार्डन की ही है. तो इसमें जो है सब कुछ मिक्स है दोस्तों. इसमें जो है सैंड भी मिक्स है और फंजीसाइड भी मिक्स है, गोबर की खाद भी इसमें मिक्स है, और मिट्टी भी बहुत अच्छी बनी हुई है. तो इसी मिट्टी में ही हम अपने पौधे को लगाएंगे. ये मिट्टी है, ये भी तैयार है, दोनों ही मिट्टी दोनों गमलों में हम लगा लेंगे. तो इस मिट्टी को हम जो है थोड़ा सा इसको फंजीसाइड डाल लेते हैं. तो इस मिट्टी को हम पूरा पलट लेते हैं. ये देखिए, मिट्टी को इस तरीके से हमने जमीन में जो है फैला लिया है, और ये फटा दिया इसमें फंजीसाइड. तो दोस्तों, इसमें अगर आप जो है फंजीसाइड मिला लेते हैं तो किसी भी प्रकार का फंगस हमारे प्लांट में नहीं लगता है. आप इसमें हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं. मिट्टी का रेशो मैं हमेशा दोस्तों यही रखती हूँ अपने प्लांट में, इसी तरीके से लगाती हूँ. या तो 30-30 का रेशो रखती हूँ या 20-20 का. तो इसमें जो है मैंने सब कुछ मिक्स है. इसमें मैं 30% मिट्टी है, 30% सैंड है, और 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीबन आप फंजीसाइड ले सकते हैं. इस तरीके की मिट्टी में आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं दोस्तों. और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कंपोस्ट है, जो कि मेरे घर पर ही जो मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ वो कंपोस्ट है. ये देखिए, इसमें से निकली है, इसमें ही मैंने जो पौधा लगाया हुआ था उसी इस गमले को खाली किया. ये देखिए नीचे, इसमें देखिए अखबार है. ये देखिए, तो इसमें जो है नीचे मैंने वेजिटेबल्स वगैरह जो भी डाली होंगी अपने घर की, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगा के मैंने पौधा लगाया हुआ था. तो ये देखिए, खाद बनकर जो है बहुत अच्छी खाद बन गई है. ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, इसमें मूंगफली के छिलके भी आपको दिखाई दे रहे होंगे. ये देखिए, ये कुछ आप देख रहे हैं, बैंगन के बैंगन है या कुछ इस तरीके के. ये देखिए, ये है. तो इस तरीके से मैं किचन वेस्ट का भी यूज़ कर लेती हूँ दोस्तों. तो ये जो है बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है. और फंजीसाइड में डाल दिया है. तो इस तरीके से सारी ही मिट्टी को हम बहुत अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तों. रेन लिली के जिस तरीके के फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं, उसी प्रकार से जो है एमरस लिली के फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं. बहुत ही प्यारा प्लांट है और परमानेंट है. तो इसको आप लगा सकते हैं आसानी से, और ये इतनी इजीली ग्रो हो जाता है. बहुत ही हार्डी प्लांट है और लो मेंटेनेंस का है, केयर इसे करनी नहीं पड़ती है. और इसे जो है आप जो है पानी बहुत अधिक नहीं देना, नहीं तो बल्ब जो होते हैं इनके सड़ जाते हैं, गल जाते हैं. तो बहुत अधिक वाटरिंग हमको नहीं करनी है. पानी आप जब भी आप इसको पानी दें तो मिट्टी आप चेक कर लीजिए. मिट्टी जो है बहुत अधिक जो है इस तरीके की गीली गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए इसके लिए. आप इस बल्ब को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके गार्डन में इसके अनेकों बल्ब जो हैं तैयार हुए हैं. तो ये हमने मिट्टी को, मैं फंजीसाइड को अच्छे से हमने मिला लिया है. ये देखिए इसको, ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है फ्रेंड्स. ये देख सकते हैं, कोई चिकनाहट नहीं है इस मिट्टी में. ये देखिए, ये देखिए. तो इस तरीके से हमने ठीकरी इसमें लगा ली है. अब इसमें हम जो है मिट्टी को डाल लेते हैं. दोनों गमलों में मिट्टी हमने डाल दी है. दोस्तों, ये जो पौधा है इसको आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करें. और अगर आप फ्लावरिंग वाला प्लांट चाहते हैं तो ये फ्लावरिंग वाला बेस्ट प्लांट है. बहुत ही खूबसूरत होते हैं इनके फ्लावर, देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं. तो इसके लिए आप जो है किसी भी तरीके का पॉट ले सकते हैं. तो देखिए, मैंने तो एक वेस्ट मटेरियल का ये ले लिया है कंटेनर, जो दही का डिब्बा होता है. ये 8 इंच का गमला है. और मिट्टी दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि कैसी मिट्टी आपको बनानी है इस प्लांट के लिए. बहुत ही हार्डी प्लांट है और बल्ब के द्वारा लगाया जाएगा. आप देखेंगे कुछ समय में कि इसके अंदर जो है बहुत सारे बल्ब जो है इसके आसपास बनने शुरू हो जाते हैं. दोनों गमलों में मिट्टी हमने भर दी है. तो मिट्टी मैंने आपको बताया कि किस तरीके की इसकी मिट्टी बनानी है. पॉट आप किसी भी प्रकार का पॉट ले सकते हैं. देखिए, मैंने ये दही का डब्बा लिया हुआ है, ये मैंने 8 इंच का गमला लिया हुआ है. इसमें ही हम अपने बल्ब को लगाने जा रहे हैं. तो अभी जो है जब इन बल्ब को हम लगा लेंगे तो इनको अभी हम जो है छाया वाली जगह पर ही रखेंगे. अभी जो है तेज धूप है, तो तेज धूप में अभी हम इन बल्ब को नहीं रखेंगे. ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर जो है सुबह की थोड़ी सी 1 घंटे या 2 घंटे की धूप इन बल्ब को मिल जाए. और बल्ब वाले जो पौधे होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं. बस ओवर वाटरिंग आपको इनको नहीं करनी होती है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इनके बल्ब जो होते हैं वो गल जाते हैं. बाकी इस प्लांट को बहुत अधिक केयर की आवश्यकता नहीं है. और ये लो मेंटेनेंस का प्लांट है. और खाद वगैरह जैसे आप अगर गोबर की खाद देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वर्मी कंपोस्ट अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा है. तो उसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी आप दे सकते हैं. और अभी जो है मैं इनको कोई भी फर्टिलाइजर अभी कुछ समय तक नहीं दूंगी, क्योंकि मिट्टी में जो है काफी अच्छी मात्रा में गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है. तो वो अभी मैं नहीं दूंगी, कुछ समय बाद ही इनको मैं खाद वगैरह दूंगी. तो अगर आप ये पौधा लगाना चाहते हैं तो आप इस पौधे को जरूर अपने गार्डन में ऐड करें, शामिल करें. अगर आप फूलों वाले पौधे पसंद करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है फूलों वाला. और इनके फ्लावर तो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं. और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये होती है कि एक से अनेक बन जाते हैं. यानी हम एक बल्ब अगर लगाएंगे तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि पूरा गमला जो है बल्ब से भर गया है. एक ही लगाएंगे बल्ब और ये धीरे 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 जो है हमारा पूरा पॉट इसमें भर जाएगा. ये भी इस तरीके से पूरा पॉट भर जाएगा और आप उन बल्ब को सेपरेट करके नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो है ये बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, एक बल्ब से अनेक बल्ब जो है तैयार जाते हैं.
रेनली भी इसी तरीके का ही पौधा होता है, उसमें भी सेम उसी तरीके से होता है कि एक बल्ब लगाते हैं वो मल्टीप्लाई होते होते जो है अनेकों बल्ब उसके तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरे लिए ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इसको हम बल्ब को हमें कैसे लगाना है वो हम देख लेते हैं। मिट्टी मैंने आपको बता दी है कैसे इसके लिए बनानी है, और पानी इसको बहुत अधिक नहीं देना है, अभी इसमें खाद वगैरह भी नहीं देनी है। तो खाद वगैरह अगर आपके पास रेनली का पौधा है लगाया हुआ है तो आप बीच बीच में जो है गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब इसे लगाएंगे कैसे ये देख लेते हैं दोस्तों। इसको लगाने का ही मेन तरीका होता है कि हम क्या गलतियां कर देते हैं कि रेनली का बल्ब जो है ग्रो नहीं कर पाता है, तो मैं जो इस तरीके से लगाती हूँ मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए हम लगाते हैं इस वाले गमले में, तो करना यह है कि इसको बीचों बीच हम एक छोटा सा होल करेंगे इस तरीके से, और इस बल्ब में आप देख रहे हैं कितनी सारी रूट्स जो है बनी हुई है। तो बस कुछ नहीं करना है, इस बल्ब को जो है इसमें हमें रखना है। इस बल्ब में को ग्रो करने के लिए दोस्तों बस एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि बल्ब को बहुत अधिक हमें नीचे नहीं दबाना है। अगर हम बहुत अधिक नीचे दबा देते हैं तो वो बल्ब हमारा नीचे जो है सड़ जाता है, तो बहुत अधिक नहीं दबाना, इसको ऊपर की तरह ही तरफ को हमें रखना है। ये देखिए इस तरीके से, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप इसे मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत अधिक नीचे को हमें इस बल्ब को नहीं दबाना है। तो हम इस गमले में जो है दो बल्ब लगा लेते हैं, एक ये वाला बल्ब लगा लेते हैं, दो बल्ब लगा लेते हैं हम इसमें। तो दोस्तों ये पौधा बहुत ही खूबसूरत है और इसको आप जरूर अपने गार्डन में लगाएं। ये देखिए इस तरीके से, ये इसका अपडेट भी मैं आपको देती रहूंगी जब ये बल्ब जो है ग्रो करने जैसे ही शुरू होंगे। इनके यहाँ से लीव्स निकलनी शुरू होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स निकलती है और एक स्टॉक टाइप का यानी डंडी निकलती है लंबी सी, उसी में ही वो फ्लावर निकलता है। तो वो फ्लावर देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन लीव्स होती है, बीच में जो स्टॉक निकलता है उसका उसमें जो फ्लावर निकल आता है वो देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। तो ये प्लांट लगाना बहुत ही आसान है, बस इस तरीके से। तो कुछ ऐसे प्लांट होने चाहिए दोस्तों जो कि बल्ब के द्वारा लगाए जाते हैं। मेरे गार्डन में रेन लिली के बहुत सारे बल्ब हैं और अब मैं एमएस लिली के बल्ब भी तैयार करने जा रही हूँ, ताकि जो है मेरे पास एमएस लिली के भी ढेर सारे बल्ब जो है आने वाले समय में तैयार हो जाए। तो देखिए ये बल्ब भी हम इस तरीके से बीचों बीच इसको इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए बस ज़्यादा अंदर तक गहराई तक हमें इसको बल्ब को नहीं दबाना है, बस यही है इसके अंदर इसका खास लगाने का तरीका, बस ये गलती हमें नहीं करनी है। ये देखिए और मैं इसका अपडेट भी आपको देती रहूँगी अपनी वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए और एक बल्ब हम इसमें और लगा लेते हैं, ये हम दो बल्ब इसमें लगा रहे हैं। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट्स बनी है, देख सकते हैं। ये देखिए बहुत, ये देखिए बस इस तरीके से लगाना है। और पानी मैं इसको चेक करके ही दूंगी दोस्तों, क्योंकि अभी अभी मैं इस बल्ब को लगा रही हूँ, तो पानी मैं इसको बहुत अधिक वाटरिंग अभी नहीं करूँगी। ये देखिए बस इस तरीके से हमें इस बल्ब को लगा दिया है। ये देखिए अब बचा है मेरे पास एक बल्ब, इसको भी हम किसी में लगा लेंगे। इसको हम लगा लेते हैं दोस्तों, ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है 2 लीटर की बॉटल, तो इस बल्ब को हम इसमें लगा लेते हैं। मैंने अपने गार्डन में 2 लीटर की बॉटल में बहुत सारे पौधे ग्रो किए हैं, तो आज जो है मैं एमएस लिली के बल्ब को भी इसमें लगा लेती हूँ और इसका रिजल्ट अपडेट मैं देती रहूँगी आपको समय समय पर कि बोतल में मेरा एमएस लिली कैसा चल रहा है। ये देखिए दोस्तों मैंने लगा दिया। ये देखिए आप जानते ही हैं मैं वेस्ट मटेरियल गार्डनिंग करती हूँ, तो इस तरीके की बेकार की चीज़ों में पौधे लगाती रहती हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा दे देते हैं पानी। तो आई होप फ्रेंड्स एमएस लिली के बल्ब को आप अपने गार्डन में जरूर लगाएंगे और आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो इस तरीके से बस इसे हल्की सी ही वाटरिंग करेंगे, क्योंकि इसमें जो है पानी था यानी मिट्टी जो थी गुनाम थी गीली थी, तो उसे बहुत अधिक पानी अभी मैं नहीं दूंगी। ये देखिए और इसे मैं अभी छाया वाली जगह पर रख दूंगी और जब इनके लीव्स देखूंगी कि आने लग रहे हैं तो फिर मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी। ये हमने उनको पानी दे दिया है। ये देखिए बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।